बड़ी देर से हम लोग मार्को ढूंढ रहे थे, फाइनली हमें मिल गया। मैंने फुल 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 जूम किया हुआ है, तो इधर भाई हैं, इधर पोस्ट पे उन्होंने हमें दिखाया और बहुत ज्यादा ये हाइट पे हैं यहाँ। भैया अपनी तो बन गई है कुल्फी, आपको लग रहा है कि ये फ्रोजन लेक है, तो ये जांबा साहब जो है स्केटिंग करके दिखाएंगे भाई सर। और ये स्केटिंग का आपको अगर जुनून है तो आप अपने रिस्क के ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं, अगर आप फिसल गए तो आप ओए मैं भी क्या। घूमने फिरने का हमें कीड़ा इतना आया हुआ कि हम लोग पासू कौन क्रॉस करके हम लोग पहले स्कर्दू मोड़ने वाले थे, हमने कहा नहीं आगे चलते हैं जहाँ तक जाया जा सकता है हमसे। तो यहाँ पे भी सर्दी की जो शिद्दत है ना वो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और ये मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मेरे पीछे पासू कौन, हम लोग बिल्कुल इनके पास पहुँच गए। यहाँ पे जो रोड है ना, ये रोड सिंह आ रही थी यहाँ से, ये बिल्कुल रोड आप जाएंगे ना पासू कौन के सेंटर से जाते हैं, और पहाड़ इतने ऊँचे हैं यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जो सीन है ना वो खूबसूरत से खूबसूरत होते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो वाटरफॉल है ना ये बड़ा ही प्यारा है, ये दरिया का पानी है और जमा हुआ पानी है यहाँ पे। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये थोड़ा सा पानी बाकी सारा जो है वो फ्रीज़ हो गया हुआ है, और सर्दी जो है वो यहाँ पे टका के है। जारी बात है जैसे जैसे आपने कुंजरा पास पे जाना तो सर्दी जो है वो बढ़ती जाती है। भैया अपनी तो बन गई है कुल्फी, तो कौन सा हम लोग क्रॉस कर गए हैं, मेरे हाथ जवाब दे गए थे, मैंने ग्लव्स के साथ ही चलाया सारा कुछ। और दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये फ्रोजन लेक है लेकिन ये असल में फ्रोजन लेक नहीं है, ऊपर से वाटरफॉल्स आ रहे हैं उनका पानी इकट्ठा हो के यहाँ पे, ये मैदान है यहाँ पे खुला मैदान है, उधर मैंने वो विकेट भी देखी क्रिकेट की पिच बनी हुई है। तो ये जांबा साहब जो है स्केटिंग करके दिखाएंगे भाई सर, स्केटिंग करके दिखाएं थोड़ी सी, और ये बता दें कि ये झील है कि नहीं। वैसे तो ये अगर आप सरफेस देखें ना यहाँ पे तो ये नीचे यहाँ तक सिर्फ ये इतना सा पानी है, मतलब 4-5 इंच तक है। और ये स्केटिंग का आपको अगर जुनून है तो आप अपने रिस्क के ऊपर स्केटिंग कर सकते हैं, अगर आप फिसल गए तो आप ओए मैं भी क्या। तो ये आपके साथ सीन हो सकता है, और सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पीछे जब पासू कौन के बिल्कुल फ्रंट में मैं खड़ा था, मैंने कैब भी उतार दी थी, तो सर पे दर्द शुरू, सर में दर्द बकायदा शुरू हुई थी। हमने कहा जितना आगे जा सकते हैं जाके, खुंजराब नहीं है माने हमने जाना क्योंकि खुंजराब का आगे रास्ता बंद है, लेकिन ये जो सीन था ये मैंने कहा आपको दिखाऊं। और सामने आप पहाड़ देखे ना ज़रा, और यहाँ पे फुल मौजें हो रही हैं, और यहाँ पे स्केटिंग भी होती है अगर आप सरफेस देखें ना, ये देखें यहाँ पे निशान बने हुए हैं, तो ये एक अल्लाह ताला ने फ्री में बनाया हुआ स्केटिंग का सीन है, और बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का सीन यहाँ पे हो जाता है। ये देखें बकायदा स्केटिंग होती है, और उसका एविडेंस मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे जो मकामी है वो शाम को यहाँ पे स्केटिंग करते हैं। तो अभी चलते चलते ना मेरी नज़र पड़ी है यहाँ पे, मैंने कहा आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब ये सारे स्केटिंग शूज़ बड़े, इट मीन्स यहाँ पे लोग ना ये स्केटिंग करते हैं। खुंजराब के रास्ते की तरफ निकले हुए हैं, और यहाँ पे ना सडनली हम लोग एक जगह रुके हैं, एक तो यहाँ पे हवा नहीं है, ये सुकून है, पहाड़ बहुत ऊँचे ना, मैदान नहीं है। यहाँ पे देखें वेलकम टू मिनी स्विट्ज़रलैंड, और ये बात सही है, ज़रा आप इस सीनरी को चेक करें, ऊपर इतने ऊंचे पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ है ना ये मतलब इसका किनारा नहीं मुझे नज़र आ रहा बादलों में छुपा हुआ, ये इतने ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और ये सीनरी आप चेक करें, यहाँ पे ये स्नोफॉल हुई हुई है, आगे पीछे रोड के ऊपर भी थोड़ी सी बर्फ़ ना जमी हुई थी, हमें लगा कि शायद एक्सट्रीम वेदर का मसला ना बन जाए। और ये इतना का खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह, और ऊपर पहाड़ों के ऊपर बर्फ बर्फ के साथ ये जो दरख्त है ये कितने खूबसूरत है। और आप इस तरफ जरा देखें तो ये बिल्कुल सूखे पहाड़ है ये वाले, इसके ऊपर थोड़ी सी स्नोफॉल है लेकिन इसके ऊपर देखें, अब यहाँ से ना आगे ये देखें जरा, ये भी बर्फ के अंदर, ये इनके ऊपर ना कांटे काफी लगे हैं, मेरा ट्राउजर है तो मैं नहीं चाहता कि उसको खराब करूँ, और ये क्या आपके शूज भी यहाँ पे गीले हो सकते हैं, और जितनी सर्दी है ना तो मशवरा यही है कि थोड़ा सा दूर रहें, मैं तो वीडियो के चक्कर में ही काम कर रहा हूँ। और ये बर्फ जो जमी हुई है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे।
ले जी, हम लोग सोज वैली पहुंच गए और यहाँ से भी खुजराब है 40 से 45 किलोमीटर, और प्लान तो यही है कि हम लोग आगे खुजराब तक जाएं, देखते कहाँ तक जाते हैं। और सुना मैंने यही था कि रास्ता बंद है वहाँ का। यहाँ पे धूप निकली है, यहाँ पे बहुत सुकून है, कुछ सुकून हुआ है। पीछे शदीद ठंड थी, हाथ पाँव जम गए, देखे मेरे उंगली से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो अब लोग हमारा प्लान ये है कि आगे देखते हैं कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि इतनी दूर आ गए हैं। अब यहाँ से आगे खुजराब जो है, देखते हैं कितना आगे बनता है। बड़ी देर से हम लोग मार्केट ढूंढ रहे थे, फाइनली हमें मिल गया। मैंने फुल 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 जूम किया हुआ है, तो इधर भाई हैं, इधर पोस्ट पे ना उन्होंने हमें दिखाया, और बहुत ज़्यादा ये हाइट पे हैं। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये यहाँ पे ना ये खड़ा है, ये देखें। और अगर मैं मज़ीद जूम अगर कर सकता हूँ तो तस्वीर सारी ख़राब हो जानी, लेकिन आपको मैं दिखा दूँगा। ये देखें, ये फिर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, तो ये भी हमें नज़र आ गया। बहरहाल ये है कि अब हम लोग आगे जा नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा है जी 4x4 चल सकती है यहाँ पे, और कोई गाड़ी नहीं चल सकती। तो अब लोग हम लोग जो खुजराब वाला पोर्शन था वो तो नहीं कवर कर सकेंगे, यहाँ से वापस जाएंगे। यहाँ से वो सोज वैली जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, उन्होंने हमें आगे बताया था। चलो हमने कहा जहाँ तक जा सकते हैं चलते हैं। खैर हमने वो भी देख लिया, अभी भी मुझे वो मार्कोर अभी जहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है खड़ा है यहाँ पे, क्योंकि उसका कलर सेम इसी तरह का है तो वो नज़र नहीं आता। तो तीसरा दिन है हमारा, और अभी हम लोग गिलगित वापस मेन बाज़ार में आ गए कुछ खाने के लिए। सुबह का हमने कुछ नहीं खाया, भूख से बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, सब ने हल्का फुल्का खाया है। और मेरे बिल्कुल पीछे जो है ना ये गिलगित की ना वो असम्बली है, तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। हम अंदर जा कुछ खाते पीते हैं तक। ले जी, जब सुबह का कुछ ना खाया और ऐसी चीज़ दे के वैसे तबीयत आपके खुश हो जाए, तो अब हमारा खाने का प्रोग्राम है। सुबह के सब लोग भूखे हैं, ये सारे पांचों, ये और मैं, और अब इंशाल्लाह कुछ खा पी के तो फिर हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से जल्दी। ले जी, तकरीबन 12 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम लोग अभी मानसहरा पहुँचे हैं, और यहाँ पे मैं भी सो गया था। सो गाड़ी के अंदर उतनी की नींद आती है। हम लोगों ने गिलगित से गाड़ी स्टार्ट की है और वहाँ से हम लोग दासू पहुँचे हैं रात 12 बजे, और वहाँ पे चाय पी है। 20-25 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रुके और दासू से सीधा मानसहरा पहुँचे, और अब गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पार्क की हुई हैं, ये खड़ी है और वो खड़ी है, और वो सो रहे हैं क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा ड्राइव किया, सारी रात ट्रैवल किया, और वो भी इस तरह के रास्ते पे जहाँ पे कोई भी ट्रैवल नहीं करता रात के टाइम, क्योंकि वो रोड्स ऐसी हैं। तो बहरहाल ये कि हमारा प्लान यही था कि इस्लामाबाद पहुँच जाए, बट नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अभी इंशाल्लाह बस थोड़ी देर तक हमें निकलना है और इस्लामाबाद के लिए। हम लोग वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, कल हम लोग वापस पहुंच गए थे दोपहर 2:30 बजे, और सिकरदुगा जो है हमारा वो प्लान नहीं बन सका था क्योंकि टाइम थोड़ा था। हमने मतलब कि 3 दिन के अंदर हम लोग ट्रैवलिंग करते रहे बहुत ज़्यादा, और वापस आए हैं, ज़ाहिर बात है घर भी वहाँ पे। सबसे बड़ा मसला तो इंटरनेट का होता है कि आप इंटरनेट भी चलो ना जाने, नेटवर्क चलता रहे, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सिकरदुगा प्लान हमारा वहाँ से फिर हमने स्किप कर दिया। तो इंशाल्लाह ये है कि फिर नेक्स्ट कभी जो प्लान बना तो सिकरदुगा भी हम लोग ज़रूर जाएंगे। और जो इस गाड़ी का खर्चा है ऑल्टो का, और जैसा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा इस गाड़ी का, लेकिन जो खर्चा है वहाँ से फैसलाबाद से लेकर वहाँ तक टोटल मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आज इधर भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है, हल्की 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 बारिश हो रही है सुबह से, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। तो मैंने कहा आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरी एक कंप्लीट सीरीज़ है जो कि यूट्यूब पे आपने देखी है, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार इंशाल्लाह और मिलेगा तो और भी इस पर सीरीज़ लेंगे, बाइक प्लान भी मेरा है। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।